बच्चों कैसे हो। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। पिछले वीडियो में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे थे, आज और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 5 न्यूटन रेज़ टू द पावर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है आपके पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चल रहा है, 5 × 10⁻³। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट चलता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए आगे आप पढ़ेंगे, बाकी याद रखना इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पासेस थ्रू एनी फील्ड विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रहा है इसका कितना, 10⁻¹² मीटर पर सेकेंड। पासेस थ्रू द फील्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10⁻¹² मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन डबल इट्स स्पीड, डबल स्पीड करने में इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो कह रहा है वो इतनी स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो डबल स्पीड मान ली, यहाँ पे कहीं जाके क्या हो रही है उसकी डबल स्पीड हो रही, तो वी क्या होगी, डबल स्पीड 2 × u हो जाएगी इनिशियल की, डबल 2 × 5 × 10⁻³, 10 × 10⁻³ कितना आ जाएगा, 10⁻⁴। टाइम पूछ रहा है तो वी क्या होता है, यू प्लस 80, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वी कितना है 10⁻⁴, यू कितना है आपके पास 5 × 10⁻³, ठीक है, ए कितना 10⁻¹² × t, इसको इधर ले आओ तो t क्या बन जाएगा आपके पास 10⁻³ माइनस 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय, क्या बन जाएगा ये, इधर बनाए 10⁻¹², तो t की वैल्यू बनी 10⁻⁴ 5 × 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻¹². 10⁻³ कॉमन ले लो तो कितना बचा ये 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10⁻¹² 3 से 12 कैंसिल, तो कितना आया ये यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 10 में से 5 गए कितना जाएगा 5, और ये देखो नीचे कितनी पावर है 10⁻¹² और ये कितना 10⁻³ नीचे आएगा तो माइनस 3, 12 में 3 गए 9, तो कितनी पावर बचेगी 10⁻¹⁹, तो टाइम कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁹ सेकंड। तो डबल स्पीड करने में इतना टाइम क्या करेगा वो लेगा, ठीक है, जल्दी से नोट करिए, इतना इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड को डबल करने में इतना टाइम क्या करेगा वो लेगा, जल्दी से नोट करिए बेटा, समझ आ गया, इजी सा क्वेश्चन था ये, तो नोट कर लिया सबने, 1, 2, 3, 4 नोट कर लिया, हो गया बेटा नोट। अब देखिए सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा है आपसे, पढ़िए सेकंड पार्ट को, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम, डिस्टेंस पूछ रहा है, s क्या होता है ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या कह रहा है s, u कितना है 5 × 10⁻³, t कितना आया 5 × 10⁻⁹, ठीक है, प्लस 1/2, a कितना 10⁻¹², t कितना है 5 × 10⁻⁹ का स्क्वायर, बस हो गया भाई, इतना टाइम चला है वो डबल स्पीड से, तो डिस्टेंस इतने टाइम के अकॉर्डिंग उसकी ट्रेवल करी होगी, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 25 × 10⁻⁹ प्लस 3 प्लस 1/2, ये 5 ऊपर है, 5 लिख लेती हूँ मैं एज इट इज, 10⁻¹, ये 5 नहीं 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25/2, 10⁻¹² और ये 10⁻¹⁸, सॉल्व करो, ये 25 दोनों में बाहर ले लो थोड़ी देर के लिए, ये 10⁻⁻⁶, ये कितना बचेगा 10⁻⁻⁶ प्लस 1/2, 10⁻¹² माइनस 18, तो ये भी कितना बचेगा 10⁻⁻⁶, तो आ जाएगा 25 × 10⁻⁻⁶ बार 1 प्लस 1/2, इसको और फर्दर सॉल्व कर लो,
आगे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 10⁻⁶ 3/2, ठीक है। तो 75 / 2 × 10⁻⁶ 10⁻⁶ मीटर, इतने क्या करेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतने डिस्टेंस क्या करेगा वो ट्रेवल करेगा। समझ आया क्वेश्चन? देखो डिस्टेंस पूछी थी, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है qt + r/t से टाइम हम निकाल चुके हैं 5 × 10⁻¹ u वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी 5 × 10⁻³ एक्सेलरेशन आपको गिवन है 12 t आपने निकाल लिया 5 × 10⁻¹ सेकंड, ठीक है। इसको पुट कर दो इस फॉर्मूले में, सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी डिस्टेंस क्या करेगा वो कवर करेगा। समझ आ गया, जल्दी से नोट करिए। हो गया बेटा, नोट 1 2 3 नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके दूसरी साइड पे लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पे चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा ना भाई, देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन ए फॉगी डे टू ड्राइवर्स स्पॉट विद ईच अदर, दो ड्राइवर है, एक मान ले कोई बस है, ऐसी होती है, ऐसी ये बस है, एक बस ऐसी है, ठीक है। मान लिए दो बस ही है, ऐसे ऐसे मान लो, मैंने ऐसे बना दी, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेरी ड्राइंग और मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ कर देना, ठीक है। ऑन ए फॉगी डे टू ड्राइवर सपोर्ट ईच अदर, दो ड्राइवर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे, दूसरे की तरफ आ रहे। दे आर जस्ट 180 अपार्ट, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 80 मीटर अपार्ट, ठीक है। दे आर ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए कितनी स्पीड से चल रहे हैं, v1 स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाते हैं, तो 5/18 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर वो किलोमीटर के मीटर बनाओ, आवर के सेकंड बनाओ, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 60 × 60 करो, या सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई करो। क्या लिख दोगे, 72 × 5/18 4 पे कट जाएगा तो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला देखिए, v2 कितनी दे रखी है आपको, 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो 60 × 5/18 ये कटता है, काट दो तो आ जाएगा 50/3, ठीक है, मीटर पर सेकंड। क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स रिटार्डिंग देयर कार्स, बोथ ऑफ देम अप्लाइड द ब्रेक, दोनों ने क्या करा कुछ टाइम के बाद ब्रेक अप्लाई करने स्टार्ट करे, इसने भी ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट करा और इसने भी ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट करा। डिटरमाइन वेदर द देयर कोलिजन, क्या उन दोनों, ये बताइए क्या उन दोनों में कोलिजन होगा या नहीं होगा। तो पहले देखते हैं उन दोनों की डिस्टेंस कितनी, कोलिजन करने के लिए वो दोनों 80 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस तो ट्रेवल होनी चाहिए उन दोनों के द्वारा, अगर 80 से कम डिस्टेंस आते तो कोलिजन नहीं होगा, अगर 80 या 80 से ज्यादा डिस्टेंस आती है तो कोलिजन फिर होगा, ठीक है। देखते हैं, तो लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाय फर्स्ट ड्राइवर कितनी हो जाएगी, v1 क्या है, s = ut + ½ 80 का इनिशियल स्पीड क्या है आपकी, रेस्ट में है वो, इनिशियल स्पीड क्या है उसकी, रेस्ट में है, ठीक है। तो आपके पास टाइम नहीं दे रखा, पर उसने ना टाइम नहीं दे रखा, तो ये इस वाली इक्वेशन की बजाय ये लगा लो v² - u² 2as, क्योंकि वो रिटायर्ड हो रहा है ना, रिटायर्ड हो रहा है तो लास्ट रिटायर्ड हो रहा है, रिटायर्डिंग हो रहा है तो लास्ट में वेलोसिटी क्या बन गई, 0, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो u² - u² ये बन गया v² = u² + 2as, ये क्या बन गई, 0, ठीक है। अब u कितनी है आपके पास, 20 का स्केयर, 20 का स्केयर प्लस 2
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उसने कितना दे रखा है, देखो ये दे रखा एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्ड हो रहा है एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। रिटार्ड हो रहा है, रिटार्डेशन का सिंपल मीनिंग, रिटार्डेशन का सिंपल मीनिंग होता है रिटार्डेशन कि एक्सेलरेशन कैसा आपका नेगेटिव, ठीक है। क्या हो गया, माइनस का 5 × s, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इधर आएगा तो ये 400 - 25 और 2 = 50, ना सॉरी भाई, ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। ये -10 × s, तो ये बन गया 400, इधर आ जाएगा × 10 s, s कितना आ गया, s1 लिख लो इसको, ठीक है। तो s1 कितना आ जाएगा, 400/10, कितना आ जाएगा ये 40 मीटर। तो फर्स्ट कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कार वन कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 40 मीटर डिस्टेंस क्या करेगी, वो ट्रेवल करेगी। सिमिलरली हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार सेकंड, कार सेकंड के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी देख लीजिए। कार सेकंड के लिए वही लगा लेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 = u, u कितना है इस बार आपका 50/3, 50/3 का स्क्वायर +2 -5 × s2, तो ये बन गया 2500/9 -10 s2, तो इधर आएगा 2500/9 -10 s2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 s2 बराबर 2500/9, तो s2 कितने, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 250/9, इसको काट लो कुछ कटता है तो, ये कितने चले जाएगा, 9 × 2 = 18, कितना बचा 25 में से 18 गया, कितना बचा आपका भाई 7, ना 9 × 7 = 63, कितना बचा 7 0 9 7 = 27 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 9 × 2 = 18, 7 बचा 0 आ गई, 9 + 7 = 63, 9 × 7 जा पे चला जाएगा फिर 9 × 7 = 63, 27.7। टोटल डिस्टेंस कितनी आई अब आपकी, इतना नोट करो एक बार जल्दी से, इतना नोट करो फिर आगे डिस्कस करते हूँ, नोट करो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, इधर से नोट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया नोट। तो देखिए टोटल डिस्टेंस s1 कितनी हुई, s1 आई आपकी 40 मीटर, ठीक है, और s2 कितनी आई आपकी 27.7। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू ड्राइवर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, अरे वो गाड़ी में थे किसी में भी थे भाई, वो कितनी आ जाएगी, 40 + 27.7 तो 67.7। अब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी, डिस्टेंस दोनों के बीच है कितनी, 80 मीटर, ये कितनी है मतलब जब वो ब्रेक लगा रहे हैं दोनों, ये डिस्टेंस है 80 मीटर, और उन्होंने ब्रेक तो पास आने से पहले यहाँ गई, ये भी रुक गई, यहाँ आके ये रुक गई, यहाँ आके ये रुक गई, दोनों में कोई कोलिजन है नहीं होगा। तो लिखेंगे दिस डिस्टेंस, ये लिख लिया सबने, नोट कर लिया, तो देखिए लिखेंगे दिस डिस्टेंस 67.7 less than 80 मीटर, सो नो कोलिजन, कोई भी कोलिजन नहीं होगा, दोनों गाड़ी के बीच में कोई कोलिजन नहीं होगा, जल्दी से नोट करिए, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीज हर स्पीड फ्रॉम रेस, स्प्रिंटर मतलब जो रेस में दौड़ता है, स्प्रिंटर मतलब छोटी रेस में दौड़ने वाला खिलाड़ी, ठीक है।
ठीक है, इंक्रीजेज हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर अप टू 3/4। एक देखो 100 मीटर की रेस है, 3/4 में डिवाइड है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये है आपका डी पॉइंट, ठीक है। ए से बी तक मान लिया फर्स्ट हाफ कितना है, ए से बी तक कितना आपका 50, तो ये बना 75 और ये बना आपका 100, ठीक है। कह रहा आपसे एंड कवर द लास्ट क्वार्टर अप टू 3/4, देखो उसने कहा है 1 मीटर तक, 3/4 तक, 3/4 तक वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन से इंक्रीज स्पीड से चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। द टोटल रन कवर द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड, लास्ट क्वार्टर को यूनिफॉर्म स्पीड से ही कवर कर रहा है, ठीक है। हाउ मच टाइम सी टेक कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ रन ऑफ द स्पीड, फर्स्ट हाफ को कवर करने में कितना टाइम लेगा और सेकेंड हाफ को कवर करने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। देखिए और ए टू बी देखिए, मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी मोशन देखिए, ठीक है। एस क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारे पास एस दे रखा है, उसने 50 ए टू बी, ठीक है। टाइम हमें निकालना है, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एस कितना है 50, इनिशियली किसे चल रहा है और एस, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, 1/2, एक्सेलरेशन कितना है उसका 1, टाइम आपको निकालना है, तो कितना हो गया 100 बराबर टी स्क्वायर, तो टी कितना हो गया, इसको टी वन लिख लो थोड़ी देर के लिए, टी वन कितना 100 √, तो टी वन कितना आ गया 10 सेकेंड, मतलब फर्स्ट हाफ कवर करने में कितना टाइम लेगा वो 10 सेकेंड, फोर कवर फर्स्ट हाफ टाइम कितना लेगा आपको 10 सेकेंड, टाइम कितना लेगा वो 10 सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड हाफ कवर करने के लिए निकालना है, तो सेकेंड हाफ के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका मोशन निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि उसकी वेलोसिटी कितनी है सेकेंड हाफ के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहां से हम एक बार सेकेंड हाफ देखो, यहाँ देखो उसमें प्रॉब्लम ही है, अब कोई बच्चा सोच रहा है यहाँ पे 50 लेके डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसने कहा कि थर्ड क्वार्टर तक वो एक्सेलरेट कर रहा है, थर्ड क्वार्टर तक मतलब सी स्पीड सी पॉइंट तक एक्सेलरेट कर रहा है और उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो मुझे इस पॉइंट तक का क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, वह मोशन चाहिए उसका, कितना मोशन है, ठीक है। यहां तक तो एक्सेलरेशन है, उसके बाद का एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, एक्सेलरेशन सिर्फ सी पॉइंट तक ही गिवन है, क्योंकि थर्ड क्वार्टर तक ही वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अगर वो यूनिफॉर्म होता तो सीधा सीधा निकाल देती फिर तुम्हें, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम ए टू सी मोशन निकालेंगे, मोशन फ्रॉम ए टू सी निकालेंगे, ठीक है। ए टू सी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 75, ठीक है। यू जीरो, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये तो 0, 75, 1/2, ए एक्सेलरेशन कितना है 1 टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 150 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू इस टाइम पे ए टू सी कितनी आ रही है आपकी 150 आ रही है, ठीक है, कितनी आ रही है आपकी 150, तो टी स्क्वायर टी कितना हो जाएगा आपका, टी कितना हो जाएगा 150 का अंडर रूट, 150 का अंडर रूट कितना आ जाएगा आपके पास 12.2 कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.2 आ जाएगा शायद, देखो एक बार करके देख लो, अरे 150 का अंडर रूट करेंगे आप ऐसे करते हैं ना, 1 1 1, ये आपके पास 50, तो ये कितने पे जाएगा आपके पास 2 पे चला जाएगा, तो 2 पे चला जाएगा लगभग इतना ही आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 12.2 के आसपास इसका ये आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ये टाइम कहां से कहां तक का है, ए से सी, अब आपको टाइम कहां से बी से सी, टाइम फॉर बी टू सी क्या करेंगे, ए टू सी माइनस ए टू बी,
ए टू सी कितना है 12.2 और ए टू बी कितना है 10, तो 2.2 सेकंड। तो बी टू सी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगा, 2.2 सेकंड के टाइम वो कवर करेगा। इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए इतना। हो गया, इधर से हटा दो। अब देखिए डिस्टेंस फॉर मोशन, मोशन निकालना है, वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी फॉर ए टू सी, वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी कितनी हो जाएगी, वी क्या होता है, यू प्लस ए टी, यू तो जीरो। ए टू सी कवर करने में टाइम कितना लिया उसने, 12.2 सेकंड। एक्सेलरेशन तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1 × 12.2 कितना आ जाएगा, 12.2 मीटर पर सेकंड। तो सी पॉइंट उसकी वेलोसिटी कितनी है, 12.2 मीटर पर सेकंड। और उससे आगे उसने एक बात कही है, एंड कवर द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब सी पॉइंट में जो स्पीड है उसके बाद वो एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं हो रहा, उसी स्पीड से आगे चल रहा है, उसी स्पीड से क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी इनटू में टाइम हो जाएगा आपके पास। तब हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा मुझे, अब सी टू डी, टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी, टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी तक वो टाइम कवर करने में कितना टाइम वो ले रहा है आपके पास। तो कितना आ जाएगा आपके पास, C to D डिस्टेंस कितनी है, 25। ये डिस्टेंस कितनी है, 25। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, 12.2। अरे ये तो आ जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अरे वेलोसिटी का तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा ना। ठीक है, तो वही करा, डिस्टेंस कितनी है सी टू डी, 25, और टाइम कितना, 12.5। इसको सोल्व कर लो, इसको जब सोल्व करोगे आप लोग तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.04। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, 10 सेकंड। सेकंड हाफ कहाँ तक काम लेगा, बी से सी और सी से डी। देखो मेरी बात कुछ को समझने की कोशिश करो, फर्स्ट थर्ड क्वार्टर तक तो एक्सेलरेशन था, तो थर्ड क्वार्टर मैंने एक्सेलरेशन की हेल्प से, एक्सेलरेशन गिवन था थर्ड क्वार्टर तक, एक्सेलरेटेड मोशन में था, उसके हेल्प से मैंने टाइम निकाल लिया। ठीक है, तो अब मुझे और वेलोसिटी पता होगी मुझे सी पॉइंट की, सी पॉइंट तक मुझे वेलोसिटी पता, तो उसके बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है, उसके बाद किसे चल रहा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड है फोर्थ क्वार्टर में, किसे चल रहा है वो यूनिफॉर्म से, तो यहाँ पे जो स्पीड है उसी से वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ स्पीड कितनी है, 12.2, ये डिस्टेंस कितनी, 25। तो इस सीट से डी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगा, वो टाइम टेकन टू सी टू डी कितना लेगा, 25/2.04। तो टाइम टेकन बाय सेकंड क्वाड्रेंट, ये लिख लिया इधर से, इधर से लिख लिया, ये हटा दिए, टाइम टेकन फॉर कंप्लीट सेकंड हाफ क्वार्टर, सेकंड हाफ को कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं वो, 2.04। देखो कितना लेगा, बी टू सी टाइम बी सी प्लस टाइम सी डी, टाइम बी सी कितना आया है, 2.2, और टाइम सी डी कितना आया, 2.04। तो कितना आ जाएगा ये, 2.04, तो 4.22 कितना आ जाएगा, 2.24 आ जाएगा सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ के लिए कितना टाइम लिया, फर्स्ट हाफ में कितना लिया था, 10 सेकंड, और सेकंड हाफ में कितना टाइम ले रहा है वो, 2.24 सेकंड, क्योंकि फर्स्ट हाफ में एक्सेलरेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो चुका। ठीक है, तो सेकंड हाफ को कवर करने में कितना टाइम लेगा, 2.2, कुछ मिस्टेक होगी, 2 × 4 हो जाएगा, बताइए 4 आ जाएगा, 4.24 हो जाएगा।
ठीक है, अभी गुस्सा आ जाता, मैडम गलती कर दी, ठीक है, हो जाती है, ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन इजी सा था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा समझना था कि फर्स्ट क्वार्टर में कितना होगा, सेकंड क्वार्टर में कितना होगा। समझ आया, जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लिया। सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर के लिए टाइम निकाल लो, ठीक है, फिर ए टू सी के लिए क्या निकालो, टाइम, फिर ए टू सी के लिए वेलोसिटी निकालो वहीं पे, ठीक है, ये वेलोसिटी पता है यहाँ पे, तो सी टू डी के लिए क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस, उसको पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लो, जल्दी से जल्दी नोट करो, कर लिया नोट सबने। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कार है, पहले वो एक्सेलरेट कर रही है किसी एक्सेलरेशन से, फिर क्या कर रही है, वो डी एक्सेलरेट कर रही है, तो आपको उसका टाइम और वेलोसिटी फाइंड आउट करने में, क्वेश्चन लिख देती हूँ, इससे तुम्हारा थोड़ा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, पर हाँ मुझे तो समझ आ ही रहा है, तुम्हें समझ आ जाता है क्वेश्चन वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, एक कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट कॉन्स्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट कॉन्स्टेंट रेट बीटा फॉर सम टाइम, एक्सेलरेट कॉन्स्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट इफ द टोटल टाइम इलेप्स्ड इज टी, इफ द टोटल टाइम इलेप्स्ड इज टी सेकंड देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय द कार। बी पार्ट में पूछ रहा है आपसे, सेकंड पार्ट में, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बाय द कार इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से जा रही है, तो देखो सबसे पहली बार रेस्ट मतलब यू क्या है आपका, जीरो, रेट अल्फा, तो एक्सेलरेशन क्या दे दिया आपको, अल्फा, ठीक है, फिर कह रहा है आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट हो रही है, तो इनिशियल तो जीरो ही है, तो डी एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस का बीटा, ठीक है, एंड कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो, एंड इफ द टोटल टाइम इलेप्स्ड इज टी सेकंड, टोटल टाइम कितना है इस एक्सेलरेशन में और डी एक्सेलरेशन में, माने पहले वो मान लिया एक्सेलरेट कर रहा है, फिर क्या कर रहा है वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस टोटल टाइम के लिए, इसके लिए वो क्या ले रहा है, टोटल क्या, कितना टाइम ले रहा है वो, टी टाइम ले रहा है, इस पूरी जर्नी के लिए वो टाइम कितना ले रहा है आपके पास, टी टाइम वो ले रहा है, ठीक है, तो पूछ रहा है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय द कार, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार,
तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस में डिस्टेंस ट्रेवल पहले बात करता है कि मोशन फॉर द एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन के केस में उसका मोशन क्या होगा आपके पास। लेट द कार बी एक्सेलरेट द टाइम टी वन देन मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द टाइम टी वन। लेट कार एक्सेलरेट एक्सेलरेट एट टाइम टी वन, कब तक कर रही है वो, टी वन टाइम तक क्या कर रही है, एक्सेलरेटेड एट टाइम टी वन। देन वी क्या होता है, यू प्लस ए टी, यू तो क्या जीरो, तो टाइम क्या है टी वन, तो वी क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू टी वन, तो टी वन क्या आ जाएगा वी बाई अल्फा, ठीक है। तो अब टी वन टाइम कितना आ जाएगा अल्फा। फिर वो क्या कह रहा है आपसे, वो क्या कर रही है, डी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो डी एक्सेलरेशन में टाइम कितना ले रही है वो, टोटल टाइम कितना था टी, टोटल टाइम कितना लिया पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, टोटल टाइम कितना लिया टी लिया उसने, ठीक है। तो टी वन किस में लिया, मान लिया एक्सेलरेशन में, टी वन टाइम किस में ले रही है वो, एक्सेलरेशन। लेट इट टेक, ऐसे लिख लो इसको, लेट इट टेक टी वन टाइम फॉर एक्सेलरेशन, लेट इट टेक टी वन टाइम फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में कितना टाइम ले रही है वो, टी वन टाइम ले रही है, तो आपके पास टोटल कितना है टी टाइम है, तो टाइम टेकन फॉर डी एक्सेलरेशन, टाइम टेकन फॉर डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन के लिए टाइम कितना लेगी वो, टी माइनस टी वन, तो वी इज इक्वल टू वाई, क्या बन जाएगा आपके पास, डी एक्सेलरेट कर रही है तो क्या बन जाएगा, यू प्लस माइनस बीटा टी, ठीक है, बीटा टी माइनस टी वन टाइम, ठीक है। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपके पास, टी माइनस टी वन, ये वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो ये तो जीरो है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, टी माइनस टी वन, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी माइनस टी वन कितना आ जाएगा, वी बाई बीटा। तो हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का क्या निकाल लिया आपने, टाइम, ठीक है। ये समझ आएगा कैसे लिखा, देखो मैं डायरेक्ट लिख देखे से बता देती हूँ। देखो कार पहले क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, कार पहले क्या कर रही है, एक्सेलरेट, फिर क्या कर रही है, डी एक्सेलरेट, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहां तक अटेंड कर ली उसने एक्सेलरेशन में, ठीक है। लेट इट टेक टी वन टाइम फॉर एक्सेलरेशन, एंड यहाँ पे ये सीख सकते हो, एंड अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी, एंड अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो कार जब एक्सेलरेट कर रही है यहां तक, तो उसने यहां तक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर ली, फिर वो यहां से इस वेलोसिटी से, इस मैक्सिमम वेलोसिटी से क्या करना स्टार्ट करेगी, डी एक्सेलरेशन, क्या करना स्टार्ट करेगी, डी एक्सेलरेशन, और फिर किस में आ जाएगी वो, रेस्ट में, किस में आ जाएगी वो, रेस्ट में, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो देखो फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो, तो यू एक्सर एल ए की वैल्यू कितनी है, माइनस बीटा, तो माइनस बीटा टाइम टी माइनस टी वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखो यू कितनी बन गई बी, तो ये वो ये यू इनिशियल वेलोसिटी बन गई अब उसकी, अब वी यू बराबर हो गया क्या से आपका वी के, क्योंकि अब ये वी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, जो ये वेलोसिटी थी इसने मैक्सिमम एक्सेलरेशन में गेन करी, अब इस मैक्सिमम वेलोसिटी से तो उसने डी एक्सेलरेट करना क्या करा, स्टार्ट करा, नहीं आई बात समझ भाई, यहां तक देखो एक्सेलरेशन बड़ा 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 बड़ा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी वी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, फाइनल बी एक्सेलरेशन में, अब वो बी वेलोसिटी से क्या करना स्टार्ट कर रहा है, डी एक्सेलरेट, क्या करना स्टार्ट कर रहा है वो, डी एक्सेलरेट, तो यू यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी अब आपकी, वी के, तो ये बन गया वी माइनस बीटा टी माइनस टी वन, तो ये बन जाएगा वी बराबर माइनस वी बराबर बीटा टी माइनस टी वन, तो ये बीटा से बीटा नेगेटिव से नेगेटिव, तो टी माइनस टी वन कितना आ जाएगा, वी बाई बीटा, समझ आ गया। इसको नंबर वन नाम दे दो, इसको नंबर टू, इतना नोट करो जल्दी से, इतना ही समझने का था। फिर से देखिए, पहले वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन के लिए अल्फा एंगल दे रखा है, डी एक्सेलरेशन के लिए उसने बीटा दे रखा है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उसने मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करी अल्फा एक्सेलरेशन से, वो निकाल लिया हमने टाइम, मान लिया एक्सेलरेशन उसने टाइम कितना लिया टी वन, फिर डी एक्सेलरेशन टोटल टाइम कितना टी, टोटल टाइम कितना टी, तो एक्सेलरेशन में कितना ले लिया टी वन, तो कितना बचा टी माइनस टी वन, उसको सोल्व करके लिख दिया, लिख लिया। आगे देखिए, नोट कर लिया इधर से, वन टू थ्री,
1 2 3 नोट कर ले बेटा, इधर से हटा दूं तो देखिए, तो ये क्वेश्चन लिख लिया ना ऊपर से सबने, क्वेश्चन लिख लिया ना, हटा दूं ऊपर से तो देखिए, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टी वन कितना था, वी बाई अल्फा, ये वन थी, और टी माइनस टी वन क्या आपका वी बाई बीटा, इसको सोल्व कर लो यहां से, ऐड कर लो, तो ये तीन दोनों को ऐड करोगे तो टी वन से टी वन कैंसिल, तो टी बराबर वी बाई अल्फा प्लस वी बाई बीटा, और सिंपलीफाई करना चाहते हो तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, वी बार ले लो, तो कितना बचेगा बीटा प्लस अल्फा, तो वी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू टी आ जाएगी। तो पहले पार्ट में ये पूछा था मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय द कर्व, तो ये आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए इस गिवन टाइम टीम। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय द कर, अटेंड बाय द कर, नोट कर लिया जल्दी से। हो गया, अब बात करते हैं डिस्टेंस। मान लिया कि x1 डिस्टेंस किसने ट्रेवल करी, कार t1 ने, और x2 डिस्टेंस कार किसने ट्रेवल करी, कार t2 ने, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, ट्रेवल बाय द कार, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार कितनी होगी, x1 प्लस x2, मान लिया एक्सेलरेशन में कितनी चली वो x1, ठीक है, तो लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कार्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन, इन एक्सेलरेटेड मोशन इन टाइम t1, इन टाइम t1 कितने बनेंगे, ऐसे इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो u तो जीरो है, तो ये s बराबर होगी x1 के, वन बाई टू अल्फा t1 का स्क्वायर, अल्फा t1 का स्क्वायर, अब t1 कितना आपका देखो यहां से, ये रहा t1, अरे t1 था ना आपका, इस t1 से ये t1 मर गया था, v बाई अल्फा, t1 कितना आपका v बाई अल्फा, तो यहाँ पुट कर देती हूँ 1 बाई टू अल्फा v बाई अल्फा का स्केयर, तो x1 कितना आया 1 बाई टू v स्केयर बाई अल्फा, 1 बाई टू v स्केयर बाई अल्फा, इसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन टाइम t माइनस t1 कितनी थी x2, तो x2 किसके बराबर हो जाएगी सिमिलरली 1 बाय टू यू टी प्लस हाफ ए टी माइनस t1 का स्क्वायर, ये तो जीरो, तो x2 कितना हो जाएगा 1 बाय टू ए, ठीक है, ए एक्सेलरेशन कितना बीटा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका बीटा, टाइम कितना आपके पास t माइनस t1 v माइनस बीटा का स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये एक बीटा से एक बीटा कैंसिल, तो v स्क्वायर बाय 2 बीटा, और ये क्या आ गया v स्क्वायर बाय 2 अल्फा, जल्दी से नोट करो इसको फिर आगे डिस्कस करते हैं, ऐड कर दे इसको, ऐड कर दो दोनों को, ठीक है भाई। बेटा इसमें एक ध्यान रखना, ये वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, अभी v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, vt आएगा यहां, ठीक है, इसको दोबारा सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे जब डी एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी की बात होगी, मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रहता है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी की बात, असल आंसर तो सेम आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उससे वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी इनटू टाइम टी माइनस टी वन, टी माइनस टी वन की वैल्यू वी बाई बिट्टा प्लस वन बाई टू ये बिट्टा, ये वी स्केयर बाई बिट्टा का स्केयर,
एक बिट्टा से एक बिट्टा कैंसिल, ये बी स्क्वायर बाई बिट्टा, और ये डी एक्सेलरेशन है तो ये बिट्टा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे डी एक्सेलरेशन है तो ये बिट्टा क्या, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बिट्टा, ठीक है, तो माइनस आ जाएगी 1/2 बी स्क्वायर बाई बिट्टा, कितना आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 बिट्टा, ठीक है। अरे ये बात इसमें पिछले बार मुझे बताया था ना कि डी एक्सेलरेशन कहाँ से होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी से, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी डी एक्सेलरेशन में क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, क्या बन जाएगी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी। जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया, हो गया इस और क्वेश्चन, इसको ग्राफिकल मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और भी जितने ग्राफ समझाऊंगी तब इसको ग्राफिकल मेथड से भी करवा दूंगी इसी क्वेश्चन को, हो गया। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 कितना है आपके पास b स्क्वायर बाई 2 अल्फा, और x2 कितना है b स्क्वायर बाई 2 बीटा, तो v स्क्वायर बाई 2 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो ये बन गया v स्क्वायर बाई 2 अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू अभी निकाली थी आप लोगों ने, v की वैल्यू कितनी आई थी आप लोगों की, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, पुट कर दो यहाँ पे तो क्या बन जाएगी ये वैल्यू, यहाँ पुट कर दो तो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा टी का इसका स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए ये बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये बीटा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा, ये बेटा अल्फा बीटा है नीचे, अल्फा बीटा अल्फा बीटा, एक से एक बीटा ये कैंसिल, एक इससे ये कैंसिल, इधर से लिख लिया सभी ने, ये टू भी आएगा इसमें, ये टू है ना साथ के साथ, तो ये टू यहां भी आएगा आपका, ये टू यहां है आपका, ठीक है। इस टू को मैं यहां लिख देती हूँ, तो ये टू साथ के साथ चल रहा है आपका, ये टू मैं स्टार्टिंग में लिख देती हूँ, ये टू जो था मैंने बाहर लिख दिया, तो ऊपर क्या बचा आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, इतनी डिस्टेंस क्या करेगा वो, ट्रेवल करेगा, समझ आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया नोट, जल्दी नोट करो क्वेश्चन को। देखो इसी क्वेश्चन को तुम 10 सेकंड शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो, जैसे वो क्या कह रहा है कि पहले क्या हो रहा है एक्सेलरेशन, फिर क्या हो रहा है डी एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी है टाइम, तो ये बनेगा v बाई अल्फा और ये क्या बनेगा v बाई बीटा, ठीक है। आपके पास ये जो स्लोप बनेगा ये वाला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, देखो यहाँ से ये वेलोसिटी ये टाइम, ये ग्राफ समझाऊंगी वैसे मैं आप लोगों को, तो देखो अल्फा टेन थीटा, ये थीटा बना, थीटा की वैल्यू क्या बनेगी टेन थीटा, टेन थीटा क्या बताता है स्लोप, पीछे बताया था मैंने, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देगा आपको एक्सेलरेशन, तो वो क्या अल्फा, तो टाइम क्या हो जाएगा v बाई अल्फा, टाइम की वैल्यू क्या बन जाएगी v बाई अल्फा, तो ये एक्सेलरेशन में टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन में टाइम क्या ले रहा है v बाई अल्फा, और डी एक्सेलरेशन में टाइम कितना ले रहा है वो v बाई बीटा, ठीक है। तो देखिए अब आपको पता है एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर, सेकंड मेथड है ये, सेकंड मेथड, एरिया अंडर कर्व क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट देगा आपको, तो क्या बन जाएगा आपके पास
तो एरिया इस देखो, इसको नाम दे दो ए बी सी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एरिया क्या बनेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट क्या बनेगा 1/2, बेस क्या है टी, बेस क्या है टी, ठीक है। और हाइट ये बनेगी आपके पास, ये वाली डिस्टेंस टेन अल्फा, देखो ये वाली, ये क्या बनेगी वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या बन जाएगी आपके पास, ये वाली डिस्टेंस क्या वेलोसिटी, और वाली टाइम टी की वैल्यू क्या वी बाई अल्फा, वी बाई अल्फा क्या बन जाएगा 1/2 वी बाई अल्फा इंटू वी, क्या बन जाएगा वी स्क्वायर बाई टू अल्फा। इसी तरह इन ट्राइंगल बी सी डी क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बाई टू बिट्टा बन जाएगा। एरिया इंटर द कर्व क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार डिस्प्लेसमेंट क्या है बी स्क्वायर बाई टू अल्फा, एक बार टू स्क्वायर बाई टू, टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट वी स्क्वायर बाई टू अल्फा, वी स्क्वायर बाई टू बिट्टा। वी स्क्वायर बाहर ले लो, 1/अल्फा प्लस 1/बिट्टा, तो वी स्क्वायर बाई टू, तो बिट्टा अल्फा, अल्फा प्लस बिट्टा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। वी स्क्वायर की वैल्यू आप लोग पहले निकाल चुके हो इनिशियली बेसिक कंसेप्ट से, वी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आंसर सेम आएगा। तो आप ग्राफिकल मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। बाकी ग्राफ करवाऊंगी तब और भी ये क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। तो आप इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, ये आपका जनरल मेथड था, जनरल मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहां से बस कुछ नहीं करना, इस वी की वैल्यू उठा के वहां पुट कर देना, ठीक है। नोट कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, एक बार हटा दूं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग ग्राफ समझाऊंगी, फिर और क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। इसी क्वेश्चन को आप कुछ क्वेश्चन को ग्राफ के तरीके से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी कवर 12 मीटर इन 2 सेकंड, ए बॉडी कवर 12 मीटर इन 2 सेकंड, ए बॉडी कवर 12 मीटर इन 2 सेकंड एंड 20 मीटर इन 4 सेकंड एंड 20 मीटर इन 4 सेकंड, ठीक है। पूछ रहे हैं आपसे हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड, हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, इट कवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड, इन 4 सेकंड, इन 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड। देखो इस लैंग्वेज को समझना है आपको, वो कह रहा है कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 4 सेकंड, इन 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड, 4 5th सेकंड के बाद 4 सेकंड, 5th सेकंड के बाद 4 सेकंड क्या आएगा 9। तो क्या लिखे आपको, क्या डिस्टेंस निकालनी है, S9 माइनस S5, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या करनी है फाइंड आउट कर। समझ आया क्वेश्चन, उसने कहा हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड, 5th सेकंड, 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा आफ्टर द 5th सेकंड, आफ्टर 5th सेकंड के बाद 4 सेकंड, 5th सेकंड के बाद 4 सेकंड कितनी बनेगी 9, ठीक है। तो S9 माइनस S5 ये डिस्टेंस क्या करनी है 4 सेकंड में आपको निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन है बॉडी कवर 12 मीटर, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, तो हमें एक्सेलरेशन नहीं गिवन, लेकिन हमें कुछ वैल्यू ऊपर गिवन है, अगर एक्सेलरेशन पता होगा तो मैं S9 और S5 निकाल लूंगी। तो कह रहे हैं बॉडी कवर 12 मीटर इन 2 सेकंड, 12 मीटर इन 2 सेकंड, तो क्या S इज इक्वल टू क्या होता है UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। फर्स्ट केस के लिए देखिए डिस्टेंस कितनी है 12 मीटर, ठीक है, टाइम कितना 2 सेकंड, डिस्टेंस है पहले केस के लिए 12 मीटर और टाइम आपका 2 सेकंड, तो क्या बनेगा, उसने रेस्ट कुछ नहीं कहा यहाँ पे, रेस्ट नहीं कहा उसने, तो क्या बनेगा आपके पास U 2U प्लस 1/2 A T की वैल्यू 4, ये बना 2U प्लस 2A, 2 से काट दो
तो 6 बराबर u प्लस a, 6 बराबर कितना आ जाएगा u प्लस a, ये नंबर वन बन गई। सेकंड केस में देखिए टाइम कितना है 4 सेकंड, डिस्टेंस कितनी है आपकी 20 मीटर, तो 20 बराबर u कितना है आपका u एज इट इज, टाइम कितना है 4 प्लस 1 बाई 2 a टी स्क्वायर 16 बन जाएगा, टाइम कितना है 4 टू 16 तो ये 8 बन गया, तो 20 बराबर 4u प्लस 8a, 4 से काट दो तो 4 5 20, 4 से काट दिया मैंने तो u प्लस 2a, इसको नंबर 2 कह दो। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, इनको सोल्व कर लो। तो एक इक्वेशन है 6 बराबर u प्लस a, एक इक्वेशन है 5 बराबर u प्लस 2a, इनको घटा दो आपस में माइनस माइनस, तो 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 जाएगा 1, यू से यू कैंसिल, तो ये बना माइनस का a, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार सॉल्व कर लो, दोबारा देख लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लो भाई, एक बार ये कितनी थी डिस्टेंस 12 मीटर थी, टाइम कितना था 2 सेकंड, तो 2u 1 बाय 2 t की स्क्वायर 4 आ गया, तो ये आया 2a, ठीक है, 2 से काट दे 6 बराबर u प्लस a आ गया, ठीक है। फिर आपने t 4 सेकंड लिया, डिस्टेंस 20 मीटर है, तो 20 बराबर 4 इंटू यू प्लस 4 का स्क्वायर 16, 8a, 4 से काट दिया, 5 बराबर u प्लस 2a, ठीक है। अब आपके पास क्या है 6 बराबर u प्लस a, 5 बराबर u प्लस 2a, अब आपके पास दो वेरिएबल है, दो ही डिस्टेंस है। देखो बेटा एक मिस्टेक हो रही है यहाँ पे आपकी, क्या मिस्टेक हो रही है, उसने क्या कहा है द बॉडी कवर 12 मीटर इन सेकंड डिस्टेंस, इन सेकंड और इन फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ या इन सेकंड, एन एच सेकंड की बात कर ली यहाँ पे, एन एच सेकंड के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, ये नहीं लगाएंगे, इसे फिर आंसर गलत आएगा आपका, क्या लगाओगे आप लोग, देखो उसने कहा है सेकंड सेकंड फर्स्ट, इसने ऐसा नहीं कहा फर्स्ट टू सेकंड, अगर वो फर्स्ट टू सेकंड कहता तो ये लगा, तो उसने कहा सिर्फ सेकंड सेकंड में, दूसरी सेकंड में इतना, तो एन एच सेकंड का फॉर्मूला क्या था, एस एन यू प्लस में ए बाई टू टू एन माइनस वन, तो एन एच सेकंड के लिए फॉर्मूला लगाओ वरना आंसर गलत आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं निकल रहा थर्ड के लिए निकालो तो सेकंड में से घटाओ फिर वैसे करना पड़ेगा, पहले एन एच सेकंड के लिए सीधा ए लगा दो, तो एस सेकंड क्या बनेगा यू प्लस ए बाई टू, फोर माइनस वन कितना बना, फोर माइनस वन थ्री, यू प्लस थ्री ए बाई टू, तो ये एस टू आ गया। अब एस फोर के लिए यहाँ पे टाइम कितना था 2 सेकंड, डिस्टेंस कितनी है 12 मीटर, तो यहाँ पे एस की वैल्यू 12 रख दो, ठीक है। अब 10 सेकंड में टाइम, एक टाइम कितना दे रखा आपको 4 और डिस्टेंस कितनी है 20, तो 20 बराबर यू प्लस ए बाई टू टू इंटू फोर माइनस वन, तो बना यू प्लस ए बाई टू एट माइनस वन, यू प्लस ए बाई टू से एट माइनस वन सेवन ए बाई टू आएगा, ये सेवन ए बाई टू इंटू ट्वेंटी, ठीक है। अब देखो अब आपके पास दो इक्वेशन दो ही वेरिएबल, देखो इस क्वेश्चन में ध्यान रखो, उसने कहा सिर्फ सेकंड में या सिर्फ फोर में, तो एन एच सेकंड फर्स्ट में कहता था ना फर्स्ट टू में, ऐसा नहीं कहा उसने, कहा सिर्फ दूसरी सेकंड में, उसने नहीं कहा कि पहली दो में, उसने कहा सिर्फ दूसरी सेकंड में, तो एन एच सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे वहां पे, ठीक है, ध्यान रखना इस बार मेरे माइंड से निकल गई, इसे सॉल्व कर लेंगे यहां से, इन दोनों दो इक्वेशन दो वेरिएबल 12 बराबर u प्लस 3a / 2 और ये क्या है 20 बराबर u प्लस 7a / 2 लगाएंगे, ये माइनस माइनस, ये u से u कैंसिल, ये 20 में से 12 गए माइनस का 8, ठीक है, 20 बड़ा है ना, ठीक है। अब ये देखो माइनस का 7a / 2 प्लस का 3a / 2, एलसीएम 2 ले लो तो क्या बना माइनस का 7a प्लस का 3a, कितना बना माइनस का 4a / 2, तो माइनस का 2a, तो 8a बराबर माइनस का 2a, माइनस माइनस प्लस a बराबर कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया आपको, मिल गया आपको एक्सेलरेशन, समझ आ गया। अब आपको क्या
चाहिए? वेलोसिटी u चाहिए। u को निकालो, u को कैसे निकालोगे? इसमें से किसी में भी इसकी वैल्यू पुट कर दो एक्सेलरेशन की, इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे देखो 12 बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस 3 बाई 2 इंटू a, a की वैल्यू कितनी है 4, तो a 2 से 2 कैंसिल, 12 बराबर u प्लस 6, तो 12 माइनस 6 बराबर u, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आपके पास u भी मिल गया और आपको a भी मिल गया। अब इसी क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या चाहिए था, u चाहिए था और a, u चाहिए और a, तो अब क्या निकाल सकते, डिस्टेंस कवरिंग 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड। जल्दी से नोट करिए और इसको ये याद रखना, उसने कहा सेकंड एंड फोर्थ सेकंड में, फोर्थ सेकंड में और सेकंड में, तो एनर्जी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। नोट कर लिया बेटा ये 1 2 3 4 1 2 3 4 नोट हो गया, हटा दूं। अब देखो s क्या है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो देखो s 9, सबसे पहले क्या निकालोगे s 9, s 9 का मतलब टाइम कितना 9 सेकंड, s 9 का मतलब t कितना है 9, तो क्या देखो u कितना है 6, देखो u u आपका नीचे 6 रहा, 6 into 9 प्लस 1/2 a, a कितना आया 4 into 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 1/2 4 into 81, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बनाया 54 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो 62, तो 62 और 54 कितना हो गया आपके पास 6 11 2, 216। तो S9 कितना आया 29216। अब S5 निकालो, S5 का मतलब T कितना है 5, तो 6 into 5 प्लस 1/2 5, एक्सेलरेशन तो 4 ही है, into 5 का स्क्वायर 25, तो आ गया 30 प्लस 125, तो 30 और 125 और 30 कितना हो गया 5 5 1 155, ये आ गया S5। अब क्या निकालना था, डिस्टेंस कवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड, तो 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा आफ्टर 5th सेकंड, फिर आफ्टर 5th सेकंड क्या आएगा 9 S9 में से F5 को घटा दो, अरे 9 में से 5 घटा दो तो 4 ही आएगा, तो उसी 4 सेकंड में डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या जाएगा S9 माइनस S5 कितना आया 216 और S5 कितना है 155, घटा लो, किसी को डायरेक्ट नहीं घटाना आता तो ऐसे लिख लिया करो 1 6 और ये 1, तो कितना आ जाएगा 1 6 1, S9 माइनस S5 कितनी आ जाएगी, इतनी डिस्टेंस वो क्या करेगा कवर करेंगे। इसको क्या कर लेंगे आप लोग, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लो कैलकुलेशन, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये इतना आ गया, ये 216 आ जाएगा, यहाँ से ये 9 का स्केयर 81, ये 6 5 30, ये 2 भैया 25 दूनी 50 होगा भाई ये, अरे 25 थोड़ी ना, 25 दूनी 50 तो ये 80 होगा, ये कितना आ जाएगा 80, तो 80 को घटाओ, तो 80 को घटाओगे कितना आ जाएगा ये 6 3 1 3 6, कितना आ जाएगा 1 3, कैलकुलेशन के लिए भी माफ करना, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन और मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, 1000 2000 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जितने टाइप्स बन सकते हैं तो मैक्सिमम आपको समझा चुकी हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करिए बुक से या जो भी असाइनमेंट मैं दे दूँ उसे प्रैक्टिस करिए, आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही।